सरकार भले ही दावा करे कि महामारी को लेकर उसकी तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं, कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिस कारण से बहुत कम लोगों की जान जा रही है। सरकार के आंकड़ों में ये संख्या 3-4 हज़ार के आसपास बनी हुई है, लेकिन हकीकत क्या है ये गंगा नदी में बहते शरीरों को देखकर लगाया जा सकता है। और अब इसे लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है लालू यादव ने, देखिए रिपोर्ट। विपक्ष का आरोप है कि महामारी को लेकर सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही है, जनता से हर चीज छिपाई जा रही है ताकि जनता की नजरों में पीएम की उजली छवि को बनाए रखा जा सके। लेकिन शहर ही नहीं, गांव में महामारी ने जो नुकसान किया है उसे लेकर लोग मोदी सरकार को ही कसूरवार मान रहे हैं। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या सरकार कुछ भी बताए, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि असली संख्या इससे बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहने वाली नदियों में दिख रहे मानव शरीर को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर पर यूपी और बिहार में गंगा नदी में तो जगह जगह इंसानी शरीर बहते दिख रहे हैं, जिनमें से कई पीपीई किट में हैं। जो लोग शरीर को बहा नहीं रहे वो नदी के किनारे उसे दफना दे रहे हैं। गंगा किनारे के ऐसे वीडियो और फोटो भी लगातार वायरल हो रहे हैं और सरकार की ओर से इसे गलत भी नहीं बताया जा रहा है। इसे लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने अलग अलग अखबारों की कटिंग शेयर करते हुए कहा कि जीते जी दवा, ऑक्सीजन बेड और इलाज नहीं दिया, जान चली गई तो लकड़ी, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। परेशानी ऐसी कि लोगों ने जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को गंगा में फेंक दिया, हिंदुओं को दफनाया जा रहा है, कहां ले जा रहे हैं देश और इंसानियत को। हिंदुओं को दफनाने की बात करते हुए लालू ने सीधे सीधे बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है। लालू ने ट्वीट करते हुए कहा कि महामारी और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं, दोनों जनजीवन के लिए परेशानी बनी हुई हैं और दोनों अदृश्य यानी नजर नहीं आते। टीवी लाइव की रिपोर्ट।